जितनी इज्जत कमाई है सब निकल जाएगी, जाने ऐसा क्यों बोले अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगलवार बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। हाल ही में अक्षय ने एक इंटरव्यू में अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर बात की। फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में अक्षय के साथ विद्या बालन भी पहुंची थीं। अक्षय पिछले कुछ समय से सामाजिक मुद्दों पर बन रही फिल्मों में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब अक्षय से इस बारे में पूछा गया तो उनसे पहले विद्या बालन पड़ी। उन्होंने कहा, हाँ अक्षय ने ऐसी ही एक और फिल्म की है जिसका नाम हाउसफुल 4 है। मेरे ख्याल से ये फिल्म भी लोगों को सामाजिक संदेश देगी। इसके बाद अक्षय कहते हैं, जितनी इज्जत कमाई है वो सब निकल जाएगी। हाउसफुल 4 में इससे पहले अक्षय ने सामाजिक मुद्दे पर बात करते हुए कहा था, मेरे ख्याल से फिल्में लोगों से बात करने का अच्छा साधन है। लोगों का इससे मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि वो इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी फील्ड अपने काम का सही उपयोग नहीं कर रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। देश को कुछ देने का ये मेरा तरीका है। बता दें कि अक्षय की हाउसफुल 4 एक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में अक्षय के साथ रितेश देशमुख, कृति खरबंदा, बॉबी देओल, कृति सेनन और राणा डगुबाती नजर आएंगे। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा अक्षय की फिल्म गुड न्यूज, सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज चौहान लाइन में हैं। अपनी इन फिल्मों को लेकर अक्षय ने कहा, अगर ये फिल्में चल गईं तो अच्छा है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता।